हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के असाइनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके क्वेश्चन नंबर वन के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। सो दोस्तों, आप लोगों से रिलेशनशिप पूछा जा रहा है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनके बीच। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाली हूँ। एंड यस गाइस, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के असाइनमेंट एंड इन्वायरमेंटल साइंस के असाइनमेंट की वीडियोस डाल चुकी हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस भी चैनल के ऊपर बहुत जल्द ही आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, परिचय आपको कुछ इस तरीके से देना है कि भारत के संविधान को दुनिया के किसी भी संप्रभु राष्ट्र का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। इसके जन्म के समय इसके 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 385 लेख थे और वर्तमान में इसकी एक प्रस्तावना 12 अनुसूचियों के साथ 25 भाग, 5 परिपृष्ठ, 101 संशोधन और 448 लेख हैं। 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, इसीलिए हर साल इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को आपके क्वेश्चन के अंदर परिचय देना है। एंड दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार और DPSP क्या है। मौलिक अधिकार और DPSP, जैसा कि भारत के संविधान में पोषित है, में एक व्यक्ति के मानव अधिकार शामिल हैं। संविधान मौलिक अधिकारों को एक विचार के रूप में व्यक्त करता है जो 1928 में ही भारत में प्रकट हुए थे। 1928 के मोतीलाल समिति की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से व्यक्ति को दिए जाने वाले अमेरिकी संविधान में निहित अधिकारों के विधेयक से प्राप्त अक्षम अधिकारों को दर्शाती है। इन अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में संरक्षित किया गया था। मौलिक अधिकारों को अंतर्निहित अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि वे जन्म से प्रत्येक व्यक्ति में निहित होते हैं। ये वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को जीवित रहने के उद्देश्य से कुछ बुनियादी अधिकार प्रदान करते हैं। धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह निश्चित रूप से अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को दो पॉइंट यहाँ पे मैंने बताए हैं। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि मौलिक अधिकार और DPSP क्या है, ये आप लोगों को बताया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है भारत के संविधान के तहत 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है समानता का अधिकार। समानता कानूनी प्रकृति में सर्वोच्च है और कानून के समक्ष सभी समान हैं और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। नस्ल, जाति, पंथ या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। रोजगार के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाने चाहिए। अस्पृश्यता और उपाधियों का अनुमूलन होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, जो कि है हमारा समानता का अधिकार। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को एक एसोसिएशन बनाने, शांति से इकट्ठा होने, यात्रा करने या स्वतंत्र रूप से किसी भी स्थान पर रहने, बसने और भारत के पूरे क्षेत्र में किसी भी पेशे में जाने या चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा, जीवन स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार भी इस अधिकार के अंतर्गत आता है। गिरफ्तारी और नज़रबंदी के संबंध में संरक्षण और
इसके अंतर्गत आता है। शोषण के खिलाफ अधिकार, तो दोस्तों ये हमारा तीसरा पॉइंट है। बाल श्रम और मानव तस्करी जो जबरन श्रम का निषेध, इसी अधिकार का परिणाम है। तो दोस्तों यह हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार हमें बिना किसी प्रश्न चिन्ह के किसी भी धर्म का पालन करने और किसी भी धार्मिक संस्थान या शिक्षा केंद्र में किसी भी धार्मिक समारोह में भाग लेने और धर्म के प्रचार के लिए कर का भुगतान करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता जो धार्मिक उद्देश्य के लिए किसी प्रकार के कर का भुगतान करने में रुचि नहीं रखता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे पांचवे पॉइंट के बारे में। दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये भारत में मौजूद विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की किस्मों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संस्कृति की भी रक्षा करता है। 14 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक संस्थानों और प्राथमिक शिक्षा का स्थापना इसके अंतर्गत आती है। दोस्तों हमारा 6th पॉइंट है संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार। एक व्यक्ति का किसी भी अदालत में जाने का अधिकार यदि उन्हें लगता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे संविधान में 5 रिट शामिल हैं। ये रिट का अर्थ है अदालत का आदेश। यदि केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति सीधा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। रिटों को नीचे समझाया गया है। सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है निषेध, चौथी है सर्टोरियस, पांचवी है क्यो वोरोंटो। तो दोस्तों ये पांचों रिट आप लोगों को याद रखनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है हमारा बंदी प्रत्यक्षकरण। इसका सीधा सा अर्थ है शरीर उत्पन्न करना। ये रिट एक ऐसे व्यक्ति को पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में लिया गया है और उसे अदालत के सामने पेश करने के लिए जारी की जाती है अगर ऐसा नज़रबंदी अवैध है। तो दोस्तों ये आप लोगों को पहला पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा है परमादेश, इसका मतलब है वी कमांड। ये एक सार्वजनिक कर्तव्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली न्यायालय को दिया गया आदेश है। तीसरा है निषेध, इसे मूल रूप से स्टेट ऑर्डर के रूप में जाना जाता है जो प्राधिकरण द्वारा कुछ कार्रवाई करने से रोकता है जहाँ मामले से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो चौथी है सर्टोरियस, इसका अर्थ है प्रमाणित होना। ये आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस आदेश को रद्द करने के लिए किया जाता है जो पहले से किसी ओवर न्यायालय न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है। और पांचवी है क्यो वोरोंटो, ये किसी प्राधिकरण द्वारा दर्शाता है ये एक व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी किए गए एक रिट है जिसका वह हकदार नहीं है। तो दोस्तों ये पांचों रिट हमारी हो गई। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड पॉइंट बताए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी कि हमारे DPSP के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि DPSP की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में उभरी है। DPSP राज्य पर न केवल व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा और स्वीकार करने के लिए बल्कि सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कर्तव्य लगाता है। DPSP भारत के संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। DPSP में समाज की सुरक्षा के लिए उन पर काम करने के लिए राज्य प्राधिकरण के लिए कुछ दिशा निर्देश मौजूद हैं। ये ज़्यादातर कल्याण और समाज के सुधार पर पूरी तरह से केंद्रित हैं। चूँकि मौलिक अधिकार अदालत द्वारा लागू करने योग्य हैं, परंतु DPSP को कोई नियम नीति या निर्देश बनाने के लिए अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को DPSP से रिलेटेड ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है DPSP के कुछ उदाहरण, शिक्षा का अधिकार, मातृत्व लाभ का अधिकार, समान नागरिक संहिता, उचित पोषण भोजन उपलब्ध कराना, आजीविका के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे DPSP के, इन्हें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा मौलिक अधिकार और DPSP के बीच संबंध। तो दोस्तों ये आप लोगों से आपके
आंसर के अंदर पूछा गया, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एंड दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को आपके असाइनमेंट में इन पॉइंट्स को लिखना है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं। ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन्हें एक दूसरे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देते हैं, जो कि लोकतंत्र का आधार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व समग्री विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें समाजवाद, उदारवाद, गांधीवाद जैसे मूल्यों का संयोजन है। दूसरा पॉइंट है हमारा, मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और वे न्याय योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नहीं। अंततः इस दृष्टिकोण से मौलिक अधिकार अधिक महत्वपूर्ण हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य रूप से संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व संसाधनों पर निर्भर हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। दोनों के पूरक होने से समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। मौलिक अधिकार बताते हैं कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि नीति निर्देशक तत्व बताते हैं कि लोगों को क्या दिया जाना बाकी है। इस तरह नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों का मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर लिखने हैं अपने असाइनमेंट के अंदर, एंड इसके थ्रू आप लोग बता सकते हो कि मौलिक अधिकार और DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।